पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद माथापच्ची शुरू हुई। कौन कहां से लड़ेगा, ऐसे में पहले तुम। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के 291 नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस की सूची का है इंतजार। ममता की नंदीग्राम से है हुंकार, जिसको लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। पश्चिम बंगाल की लड़ाई धीरे धीरे बहुत रोचक होती जा रही है। आज टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के साथ ही ममता बनर्जी ने अपनी सीट भवानीपुर को छोड़ने का भी ऐलान किया। ममता ने कहा कि वो भवानीपुर सीट को छोड़कर शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन टिकट का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने कई बातों का ख्याल रखा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने 27 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया। हालांकि ममता का यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि खबर है कि इनमें से ज्यादातर विधायक उनके खिलाफ हो सकते हैं या फिर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट में दूसरे सबसे अहम बात, पार्टी ने 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। पश्चिम बंगाल में करीब 100 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। ये वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ रहा है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं को टिकट देकर ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राज्य की आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने ये दांव खेला है। अब ऐसे में ये सवाल है कि आखिर 2 मई को बंगाल की जनता किसको चुनेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दावा किया है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम से बड़ी हार मिलेगी। ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहां से लड़ेंगे तो भी 50 हजार से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और भी और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहां का भूमि पुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। सच देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहां पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा, कब से वो भवानीपुर सीट उन्होंने डिजर्ट कर दिया, वहां से नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। और लास्ट टाइम 7 में से मेरे ख्याल से 5 वार्ड में वो पीछे थी। आप सोच रहे होंगे कि ममता बनर्जी ने आखिर भवानीपुर सीट क्यों छोड़ी, इसके पीछे की वजह बताते हैं आपको। 2011 के उपचुनाव में ममता के खाते में यहां से 77.6% वोट आए थे, जिसके बाद 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत घट गया। 2016 में ममता के खाते में सिर्फ 48% वोट ही आए। इस सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को कड़ी टक्कर मिली। यहां से टीएमसी के उम्मीदवार ने सिर्फ 1000 वोट से ही जीत दर्ज की। वहीं नंदीग्राम से ममता के चुनाव लड़ने की खबर आने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि ममता ने अपना राजनीतिक करियर नंदीग्राम से शुरू किया था और वो उसे वहीं खत्म कर देंगी।
बासिंदा राहुल सिन्हा जुड़े हैं। सर, सबसे पहला सवाल, आज ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और भवानीपुर का जो सीट है वो छोड़ देंगी, इस पे क्या कहेंगे? पहले ही ममता बनर्जी घोषित कर दिया जो हार गए और डर से भाग रहा है। नंदीग्राम को उन्होंने उन तृणमूल कांग्रेस का उत्थान भूमि मानते हैं और नंदीग्राम से तृणमूल का उत्थान होने के बाद नंदीग्राम का और कभी देखा भी नहीं, तो नंदीग्राम से तो पहले ही विश्वासघात किया और अभी भवानीपुर के साथ विश्वासघात किया, विश्वासघात करके फिर नंदीग्राम में जा रहा है विश्वासघात करके, तो विश्वासघाती को नंदीग्राम का जनता शरण नहीं देंगे। कारण, नंदीग्राम में जाने का सबसे बड़ा कारण वही से उत्पत्ति, वही पर समाप्ति, और इसीलिए ममता बनर्जी उसी जगह पर जा रहा है। ये भाग्यों का खेल है। जो उन्होंने लिस्ट आज डिक्लेयर किया, उस लिस्ट में तो सबसे बड़ा चमक हारने का डर से ममता बनर्जी का पलायन, इससे बड़ा खबर तो है ही नहीं कुछ। जिनका सेना नहीं का भाग जाते हैं, उस फौज का हालत क्या होता है? उस फौज का तो मनोबल पहले ही टूट जाते हैं। जमकर जीतने का कोई आशा नहीं, हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण, हमारा जो सेना नई का है वही डरे हुए है, वही भाग रहा है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस का इस जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में सफाया हो जाएगा, आखिरी चुनाव तृणमूल कांग्रेस का। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस रहेगा कि नहीं रहेगा, पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरे को मालूम नहीं। सर, आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि 7 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं कोलकाता में और 7 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सिलीगुड़ी में जाने वाली है, पेट्रोल और डीजल प्राइस के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? इस चुनाव में, पश्चिम बंगाल का चुनाव में पेट्रोल डीजल ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। इस चुनाव में बंगाल को सुनार बंगला बनाने का मुद्दा, इसीलिए ममता बनर्जी का सरकार हटेगी तब बंगला अपना पैर पर खड़ा होंगे। तो ये बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा जिन्होंने हमसे बात की। कैमरा पर्सन बापी के साथ सभी रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज कोलकाता। जी हाँ, किसने किसको धोखा दिया, ये सियासत है, रंग बदलती सियासत, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर। जी हाँ, देश का सवाल में हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर वो जाने पहचाने चेहरे जो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर टीएमसी की सांसद अपरूपा पोद्दार। अपरूपा का मतलब होता है अति दुर्लभ, अति दुर्लभ। अपरूपा जी, आपसे मेरे बहुत सवाल होंगे क्योंकि आज एक अपने आप में ममता बनर्जी ने 2 सीटों की बजाय 1 सीट से लड़ने का फैसला किया है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, बीजेपी की प्रवक्ता शालीन अंदाज में जवाब देने के लिए जाने जाने वाली ऐसी अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं। अनिला जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वाम नेता विवेक श्रीवास्तव, बड़े विवेक से अपनी बात रखते हैं लेकिन कई बार उग्र हो जाते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सलीम आलम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जी हाँ, कांग्रेस की क्या रणनीति है बंगाल को लेकर, इस पर भी करेंगे चर्चा, और आखिर कब तक आएगी सूची, इसी को लेकर सवाल है। जी हाँ, देश का सवाल में सबसे पहले अपरूपा जी मैं आपके पास आऊंगा। आखिरकार ममता दीदी ने गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती को स्वीकारा और 2 जगह से नहीं, 1 ही जगह नंदीग्राम से, जहां से 14 साल पहले लेफ्ट को उखाड़ फेंकने का उन्होंने प्रण लिया था, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगी। हेलो मनीष जी। जी अपरूपा जी, मेरा सवाल आपसे, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मनीष जी, तृणमूल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी है, उस कमेटी के चेयरपर्सन ममता बनर्जी और 12 मेंबर्स ने मिलके ये टोटल जो हमारे लिस्ट है ये सार्वजनिक किए हैं, जहां पर महिला 50 महिला कैंडिडेट है, शेड्यूल कास्ट को 79 मिले हैं, शेड्यूल ट्राइब 17 और माइनॉरिटी 42 कैंडिडेट है। और तो ये जो डिसीशन है ये ममता बनर्जी सोल नहीं है, वो चेयरपर्सन है, डिसीशन सबको मिल के लिए है। और नंदीग्राम से जो चुनाव
के लिए बार बार बात उठ रहा है। देखिए ममता बनर्जी तो 34 साल के सीपीएम शासन के साथ संघर्ष की है, तो संघर्ष से तो वो अपना जिंदगी का पथ चलना शुरू किया है। तो जहाँ नंदीग्राम की पब्लिक मीटिंग में वो गई थी, पब्लिक ने पब्लिक चाहते थे कि ममता बनर्जी वहाँ से कैंडिडेट हो, क्योंकि ये भी गर्व के विषय है कि जब सीएम है वो इलाका से नंदीग्राम से कैंडिडेट हो। देखिए हमारे लिए स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट ममता बनर्जी आने वाले दिन में मुख्यमंत्री है। आप बताइए, यशवंत सिन्हा ने आज ट्वीट करके कहा है कि केरला में मेट्रो मैन ई श्रीधरन को बीजेपी सीएम प्रोजेक्शन कर रहे हैं। हमारा एक बहुत आसान सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, आप लोग इतना दौरे कर रहे हैं, पूरा कैबिनेट बंगाल यहाँ पे बैठ गए, आप लोग बताइए कि आपका सीएम कौन है? जहाँ केरल में आपने बता दिया, बंगाल में आप पीछे क्यों हट रहे हैं ये बताइए। बंगाल में ममता बनर्जी 2021 में अपरूपा जी के लिए मुख्यमंत्री, और अपरूपा जी अपरूपा जी जहां तक सीएम कैंडिडेट की आप बात कर रही हैं, मेरा सवाल आपसे था अपरूपा, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या ममता बनर्जी ने क्या गृहमंत्री अमित शाह की चुनौती नंदीग्राम से लड़ने को स्वीकारा? एक नहीं, दूसरा नहीं, 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 किसी का चुनौती सुनिए, ममता बनर्जी इज अ फाइटर, और ममता बनर्जी का ये डिसीजन जो है वो चेयरपर्सन है 12 कमेटी का जो जी वो चेयरपर्सन है, लेकिन अपरूपा जी अपरूपा जी मेरा सवाल आपसे मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, कभी बहुत दिल के करीब शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता जी के अधिकारी के रूप में काम करते थे, नंदीग्राम में उनकी पैठ है, उनके पिता वो खुद वहां से एक बड़े नेता है, ऐसी सूरत में उन्होंने चुनौती दी है और उन्होंने क्या कहा है? मैं ना भी लड़ूं तो मैं ये आपसे सुनिश्चित करूंगा कि ममता बनर्जी वहां से हार जाए, अगर ममता बनर्जी नहीं हारी तो उन्होंने सियासत छोड़ने की भी बात की है। देखिए राजनीतिक लड़ाई में हर राजनीतिक के कैंडिडेट खड़े होंगे, हार जीत है, लेकिन ममता बनर्जी जो है वहां से अपना आंदोलन के थ्रू वो आई है, तो वहां का पब्लिक और बंगाल की जनता का सेंटिमेंट ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है, और ममता बनर्जी जीतेगी। देखिए शुभेंदु जी को भारतीय जनता पार्टी में अपना इमेज बनाने के लिए कुछ भी वो कह सकते हैं, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी का जो एक हवा है, एक वेव है, इसको तो कोई नहीं नकार सकता। इसका जी, मतलब बंगाल जी, लेकिन में बीजेपी कह रही है, बीजेपी अपरूपा जी, बीजेपी कह रही है कि भवानीपुर से नहीं लड़ना ये इसलिए कि ममता को डर था कि भवानीपुर से वो हार जाएंगी। अरे जब सीपीएम से वो नहीं डरी है, सीपीएम से लड़ी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जी आइए अनिला जी से पूछ लेते हैं। अनिला जी, अपरूपा जी, अनिला सिंह भी है हमारे साथ, अपरूपा जी अनिला सिंह हमारे साथ है, आपके सारे सवालों का जवाब देंगी। अनिला जी मेरा सवाल आपसे, चित भी मेरी पट भी मेरी, नंदीग्राम से अगर नहीं लड़ती तो आप ये कह देते डर गई, नंदीग्राम से लड़ रही हैं तो ये कह रहे हैं कि भवानीपुर से डर गई और नंदीग्राम से इसलिए लड़ रही, यहाँ पर उनकी हार निश्चित है, ऐसी सूरत में चित भी मेरा पट भी मेरा, फिर दूसरी तरफ आई एम अ डिस्को डांसर सब उनके धुन में नाचने गाने के लिए तैयार हैं, शायद 7 तारीख को वो प्रधानमंत्री की रैली में शामिल हो जाएंगे। अनिला जी, ये देखिए जिस प्रकार से टीएमसी के अंदर भगदड़ मच रही है उसे कोई भी समझ सकता है कि ये जहाज जो है ना डूबने वाला है। अब ममता बनर्जी कहीं से भी चुनाव लड़ लें, देखिए मुखिया है वो टीएमसी की, रानी है, जहां उंगली रख देंगी वही इलाका टीएमसी जो है उनको दे देगा कि भाई आप यहां से चुनाव लड़ लीजिए। जिस प्रकार से राजनीति ममता बनर्जी ने किया है पश्चिमी बंगाल में, अब लोग पूरा भर चुके हैं उससे, नाक तक भर चुके हैं, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरकर ही फूटता है, अब इनका घड़ा जो है भर चुका है, अब वो फूटेगा, और जब फूटेगा नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा कि 2 मई को आप देखिएगा कितने चौंकाने वाले, मतलब बिल्कुल पस्त, बुरी तरीके से पस्त होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये नंदीग्राम से लड़े हैं, भवानीपुर से लड़े हैं, पहले नंदीग्राम से लड़ती हैं, फिर भवानीपुर से लड़ती हैं, फिर वापस नंदीग्राम पहुंच जाती हैं,
तो खेला खेला खेबो वाली बात करते हैं ना, खेला होबे तो कौन सा खेला होबे। हाँ, आप क्या खुद ही जंप जंप खेल रही हैं, कभी नंदीग्राम कभी भवानीपुर, कभी भवानीपुर कभी नंदीग्राम, कभी दोनों जगह। क्या है ये ममता दीदी, ये कौन सी राजनीति है? देखिए ऐसा है, पश्चिम बंगाल को मैं कहती हूँ कि संस्कृति की भूमि है, इंटेलेक्चुअलिटी की भूमि है, और यहाँ के लोग समझदार बहुत हैं, परंतु जिस प्रकार की राजनीति वहां पर होती है, बंदूक की नोक पे राजनीति होती है, इतना डराया धमकाया दहशत में रखा जाता है लोगों को कि वो कैमरे के सामने बेचारे ये तक नहीं बोल पाते हैं कि उनकी पसंद क्या है। ऑफ कैमरा भी बोलने में वो डरते हैं। आप मीडिया से हैं, आप जानते हैं, आपकी टीम पूरी वहां पर होगी, पूछ लीजिए अपनी टीम से कि किस प्रकार की दहशत फैलाई हुई है। अपूर्वा जी, अपूर्वा जी, ये डराने धमकाने का माहौल, डराने धमकाने का माहौल, तोड़ फोड़ मार पीट, आखिर ये बंद होगा नहीं होगा? अपूर्वा जी, अनिला जी, अपूर्वा जी से ले लेते हैं, अपूर्वा पोद्दार। हाँ, मैं आपके माध्यम से अनिला जी को कहना चाहती हूँ कि एक आईपीएस ऑफिसर भारती घोष 2019 में घाटाल में के चमकाती है, बंगाल का घाटाल का जनता को चमका रही है कि उत्तर प्रदेश से घूमता जाए। अनिला जी, आपको भेज दे क्या वो? आपको भेज दे, आपके मंत्री लोग कहते गोली गोली मारो गोली मारो, उसके बाद एक अब्यूज वर्ड वो कहते हैं। आपके दिलीप घोष कहते हैं कि पुलिस थाना जला देंगे, साइंटोस बोस कहते हैं कि पुलिस लोगों को हाथ पैर तोड़ देंगे, ये किस बात बोल रहे हैं अनिला जी? आप कहते हैं कि बंगाल जो है एक कल्चरल जगह है, यहाँ पर महोत्सव का जन्म है, और आप लोग होमवर्क करा के नहीं लाते हैं क्या? आप ही का मंत्री लोग कहते हैं कि रविंद्रनाथ कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म, अपूर्वा जी, अपूर्वा जी आप थोड़ा पानी पीजिए, आपका गला सूख रहा है। अपूर्वा जी आप थोड़ा पानी पीजिए, आपका गला सूख रहा है। अनिला जी, मैं आप छोटा सा जवाब दें तो मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सुभ्रष्टा भी जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, बिल्कुल जी जी, मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन दूंगी। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, जहां जहां तानाशाही की सत्ता होती है वहां पर पुलिस भी जो है, प्रशासन भी जो है, उसी की तरीके की हरकतें करने लगता है। अभी हमने पंजाब में भी देखा, जब लखा सिंह को वहां की पुलिस प्रशासन ना तो पकड़ रही है ना दिल्ली पुलिस को दे रही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको पूरा पूरा संरक्षण दे रहा है। ऐसे ही जब गुंडों को संरक्षण देती है तो पुलिस प्रशासन भी ममता दीदी का वही काम करता है जो कि ममता दीदी चाहती है। हमारे साथ आपका आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए विवेक श्रीवास्तव और सलीम आलम साहब भी हैं। विवेक श्रीवास्तव और सलीम आलम भी हैं। विवेक जी, आपकी सूची कब तक आने वाली है? क्या बन गई बात और नाम कब तक सामने आ जाएंगे? एक और दूसरा, ये नंदीग्राम में आपने ISF के लिए छोड़ दी है सीट, जो जानकारों के मुताबिक जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, नंदीग्राम ISF के लिए छोड़ दी है आपने। नहीं होती तब तक मैं यहाँ प्रवक्ता के रूप में कुछ कहना पसंद नहीं करूंगा, और एक आध दिन हमारी लिस्ट पूरी सामने आ रही है। विश्लेषण जबरदस्त तरीके से चल रहा है, जबरदस्त टक्कर होगी। मीडिया ने तो हमें राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन ब्रिगेड ग्राउंड की एक रैली ने हमारी सच्चाई और हमारी ताकत आप सबको दिखा दी। और अब जहां तक नंदीग्राम का सवाल है, जिसमें ममता बनर्जी लड़ रही है, ममता बनर्जी भवानीपुर में कुछ कर नहीं पाई, भागना पड़ा वहां से, जल्दीबाजी में कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए थी। नंदीग्राम में भी कुछ नहीं किया है इन लोगों ने, सच्चाई तो ये है, तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम में भी कुछ नहीं किया, ना शुभेंदु अधिकारी साहब ने, ना ममता बनर्जी ने। राहुल सिन्हा भी इसी बात को बोल रहे थे कुछ समय पहले आप ही के चैनल के ऊपर कि वहां भी काम नहीं हुआ है, लेकिन इनको ये लग रहा है कि शायद वहां से एक बार फिर से इनको आने का एक मौका मिले, लेकिन जबरदस्त तरीके की टक्कर वहां पे इनको हमारे सेकुलर गठबंधन से मिलेगी। हमने अभी पत्ते खोले नहीं है, वेट एंड वॉच आप करिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनका मीडिया हाइव और इनके सारे पूंजीपतियों के पैसे जो उन्होंने अपने रैलियों में लगाए थे हमारी ब्रिगेड ग्राउंड की एक रैली ने सपना नाकाम करे हैं, और इनकी सांप्रदायिकता की नीति चलने वाली नहीं है। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सेकंड नहीं थर्ड नंबर पे आएगी, ये भी मैं आपके चैनल पर घोषणा कर रहा हूँ। विवेक जी, थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, इतने जल्दी आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, अभी तक नाम ही साफ नहीं है और आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, कौन किस पायदान पे होगा? विवेक जी सर, ये बात तो आप लोग कहते थे साहब कि सब छोटी छोटी रैलियां ये बीजेपी की चल रही हैं, लेफ्ट कहाँ है? लेकिन ब्रिगेड ग्राउंड के 10 लाख लोगों पे के जवाब देने क्या आपको कुछ उत्तर दिया? हमारे गठबंधन में ISF भी आ चुका है, सेक्युलर खेमे के सभी वोट हैं,
और टक्कर जबरदस्त होगी जी, और आप देखिए टक्कर जबरदस्त होगी, साफ साफ कह रहा हूँ, बीजेपी नंबर थ्री जी, टक्कर जबरदस्त होगी, टक्कर जबरदस्त होगी। मेरे साथ और भी मेहमान है विवेक जी, आपके पास आऊंगा। सुभ्रष्टा, सुभ्रष्टा जी आपका स्वागत है। खेला होवे, खेला होवे एक बंगाल में एक ऐसा गीत चल रहा है जिसको लेकर गली गली इसकी गूंज है, और ऐसे में खेला होवे को लेकर बीजेपी कहती है असोल परिवर्तन होवे। तो क्या परिवर्तन की शुरुआत हो गई? ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी? देखिए मनीष जी, ये जो बंगाल चुनाव है वो बहुत ज्यादा रोचक है इस बार का। वो इसलिए है क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो टीएमसी का कार्डर और लेफ्ट का कार्डर बहुत अधिक आप अंतर आप नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके की अराजकता लेफ्ट के कार्डर में थी, उसी तरीके की अराजकता टीएमसी के कार्डर में भी अब नजर आती है। ये बात बिल्कुल सच है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से राजनीतिक इतिहास गढ़ा लेफ्ट के खिलाफ लड़ करके, और जिस तरीके से वो उन्होंने शासन किया इतने दिन, उसकी एक अपनी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है, उसकी एक अलग व्याख्या की जा सकती है। लेकिन इस चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए मनीष जी, तो आप देखिए मीडिया नैरेटिव में बंगाल का डेवलपमेंट तो कहीं भी नहीं है। मीडिया नैरेटिव में पॉलिटिकल वायलेंस सबसे ज्यादा एक मुखर नैरेटिव के रूप में उभरा है। अब ये बात तो टीएमसी की प्रवक्ता अपरूपा जी सांसद भी हैं, वो बता पाएंगे कि लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी जब इनके सांसद बोलते हैं, इनकी बहुत एक मुखर सांसद है, जब बोलती हैं तो स्टैंड 8 के बच्चे की तरह जोशीला भाषण देकर जाती हैं संसद में, लेकिन ये नहीं गिनवा पाती, चुनावी वर्ष में भी नहीं गिनवा पाती कि आखिर बंगाल ने किस तरीके का डेवलपमेंट देखा। ये बात सच है, लेफ्ट की विचारधारा से त्रस्त आकर के ही लोगों ने ममता दीदी को चुना था। आज बंगाल को उन्होंने कहा HDI इंडेक्स में बंगाल कहाँ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बंगाल कहाँ है। और ये बात छोड़ दीजिए, लेफ्ट और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बहस मैं इस डिबेट में नहीं करूंगी मनीष जी, लेकिन सबको पता है कि जब तक आप उद्यम नहीं करेंगे, जब तक आप स्टेट पर ही आश्रित रहेंगे, तब तक बहुत ज्यादा लंबी तरीके से समाजवाद आने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया चमत्कारिक की देश प्रदेश की जनता उन्हें वोट दे, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। स्पष्ट हर बार यही हो पा रहा है कि राजनीतिक रूप से जो हिंसा है वो इतनी अधिक बढ़ी हुई है। मैं अभी 3 शहरों का दौरा करके आई बंगाल में, और हर शहर में हर नुक्कड़ गली चौराहे पे जो चर्चा है वो हिंसा की चर्चा है। और ये बहुत बहुत सरप्राइज करने वाली बात है कि एक आम व्यक्ति, जो हो सकता है महंगाई की बात है नेशनल लेवल पे उसकी बात कर रहा होता, या वो ऐसे स्कूल्स की बात कर रहा होता जो टीएमसी के जो विधायक हैं उन्होंने मॉडल स्कूल बनाए हैं उनकी बात कर रहा होता, पर ऐसा नहीं है। कम्युनलाइजेशन और हिंसा, इसी दो डॉमिनेंट नैरेटिव से पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ रही है। सुभ्रष्टा जी आपके पास आऊंगा कुछ और सवालों के साथ। हमारे साथ सलीम आलम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सलीम साहब, कांग्रेस का क्या आलम है, कब तक नाम साफ हो जाएंगे? हेलो जी सलीम साहब, आप Hello? आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? नहीं, एक बार और रिपीट कर दिया। सलीम आलम साहब, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस का क्या आलम है बंगाल में, कब तक नाम सामने आ जाएंगे? बस एक दो दिन के ही अंदर हमारा नाम सामने आ जाएगा, और हम लोगों ने ब्रिगेड मैदान से ऐलान कर दिया है कि इस बार कांग्रेस CPM की जोट जोट ही सरकार बनाने जा रही। आपने वो उमड़ता भीड़, इस चिलचिलाती धूप में साबित कर दिया बंगाल के लोगों ने कि नहीं, परिवर्तन असल ये है। बीजेपी जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये किस चीज की परिवर्तन की बात कर रही है? जो शुभेंदु अधिकारी कल तक TMC में चोर थे, बीजेपी में जाकर साधु कैसे हो गए? जो मुकुल राय TMC में चोर थे, वो बीजेपी में जाकर साधु कैसे हो गए? इसका जवाब है परिवर्तन जनता। और एक बात इन्होंने कहा कि खेला होवे, हाँ ये हकीकत है कि खेला तो होगा, मगर इस बार बंगाल की जनता बीजेपी और TMC वालों के साथ खेला खेलने वाली है। वो जानती है कि किस तरह आपने 10 साल TMC वालों ने बंगाल के लोगों के साथ जो खेला है, उनके विश्वास के साथ जो ममता बनर्जी और उनके पूरे टीम ने खेला है, उसमें शुभेंदु अधिकारी सलीम आलम साहब है। सलीम आलम साहब, खेला हुबे आप लोग नाम तय करेंगे, उसके बाद खेला हुबे जनता तय करेगी कैसे खेलना, क्योंकि चुनावी मैदान में जनता सरकार होती है। जी हाँ, जनता तय करेगी कि आखिर कौन किसकी होगी सरकार। बता दिया है कि खेल में किसका पल्ला भारी है जी, आप देख लीजिए। आलम साहब मैं आपके पास आऊंगा, आलम साहब आपके पास आऊंगा। अपूर्वा जी,
अपरूपा जी लोग ये कह रहे हैं कि भवानीपुर से सीट छोड़ना ये कमजोरी का संकेत है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी शेरनी है मनीष जी, ममता बनर्जी आज तक किसी के सामने न झुका है न झुकेगी, और बंगाल के जनता पर पूरा विश्वास है, ममता बनर्जी पर पूरा बंगाल विश्वास करता है, पूरा भारत के पिछड़े हुए जो ये है दलित है किसान है सब ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं। आज बताइए बंगाल में ममता बनर्जी जितना काम किए कोई दूसरा राज्य में इतना काम नहीं हुआ होगा, और केंद्र से सहायता भी नहीं मिला है। आज ये लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, आप तो सांसद हैं अपरूपा जी, आप तो सांसद हैं, बीजेपी कहती है कई योजनाएं जो केंद्र से गई वो वहां लोगों तक पहुंची ही नहीं। आप मुझे दो मिनट बोलने के लिए दीजिएगा, मैं एक मिनट मनीष जी, हम एक सांसद है और हम मैं ये बहुत दुख के साथ ये नेशनल टेलीविजन में कहना चाहती हूँ, मैं ये चीज नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आज ये कहूंगी कि हमारे तारकेश्वर असेंबली में एक केंद्रीय विद्यालय है, वो राज्य सरकार का स्टेट गेस्ट हाउस में चलता है। ममता बनर्जी को हमने बार बार हमने कहा कि आप ये जमीन दे दीजिए केंद्र सरकार को, ममता बनर्जी एक रुपया में वो केंद्र सरकार को जमीन दे दिया 2018 में, आज 2018 से लेके 2020 हो गया, एक ईटा भी नहीं वहाँ पर लगाया गया स्थापित किया गया कि ये बिल्डिंग बने। भारतीय यहाँ पर पूछिए भारतीय जनता पार्टी का अनिला जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या स्कूल केंद्रीय जी, अपरूपा जी अनिला जी से आप जरूर पूछिएगा। अब मेरे लिए वक्त हो रहा है सुर्खियों का, सुर्खियों के बाद हम बात करेंगे कि जी हाँ डिस्को डांसर आई एम अ डिस्को डांसर उनके आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। मेरे साथ झूमो मेरे साथ नाचो और गाओ डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थामेंगे। ग्राम पर है संग्राम जिसको लेकर मचा बवाल है और हम लेकर आए हैं देश का सवाल है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रष्टा जी, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी और सलीम आलम जी हैं। जी हाँ, जैसा कि सुर्खियों पर जाने से पहले हमने कहा था कि डिस्को डांसर जी हाँ तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अनिला जी, क्या डिस्को डांसर ही आपका चेहरा होंगे 7 तारीख को बीजेपी में शामिल होने वाले? देखिए मिथुन चक्रवर्ती जी जो हैं एक अद्भुत अद्वितीय अभिनेता रहे हैं, और अपने अभिनय की क्षमता से उन्होंने जीवन भर प्रशंसा जोड़ी है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य रहेगा, क्योंकि ना केवल पश्चिमी बंगाल में परंतु पूरे भारतवर्ष में उनके चाहने वाले लोग जो हैं सैकड़ों की संख्या में हैं, तो स्वागत होगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी कितना का दामन फायदा आप देख रही हैं अनिला जी, मिथुन अच्छा चक्रवर्ती के आने से कितना फायदा देख रही हैं। ये संकेत तभी मिल गए थे अनिला जी जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। अनिला जी देखिए मनीष जी, जब भी कोई बड़ा चेहरा किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ता है उसका फर्क तो पड़ता है, इन लोगों की लाखों करोड़ों की इनकी फैंस फॉलोइंग होती है तो उसका बिल्कुल फर्क पड़ता है, पॉजिटिव फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि देखिए मिथुन चक्रवर्ती जो हैं और जीवन में जिस आयु के हैं उनको चाहत कोई ऐसी नहीं है कि उनको बहुत नाम चाहिए या पावर चाहिए, ये सब चीज़ का वो भोग कर चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं। अनिला जी आपने एक बात बड़ी बढ़िया कही, अनिला जी आपने एक बात बड़ी बढ़िया कही कि उन्होंने नाम शोहरत ये सब कुछ भोग चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का दामन जो वो थाम रहे हैं एक बड़े नाम को भोगने के लिए आप लोगों का दामन तो नहीं थाम रहे। जैसे कि मुख्यमंत्री का चेहरा, जैसे कि आपको लगता है मनीष जी आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अनिला जी, आप भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से जानते हैं। अनिला जी, संघ प्रमुख का उनके घर जाना, संघ प्रमुख का मिथुन चक्रवर्ती के घर जाना अपने आप में सबसे बड़ा संकेत है अनिला जी।
यही मैंने कहा ना कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो लोग उससे इत्तफाक रखते हैं वो क्यों नहीं हमारे साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। और हम लगातार देखते हैं कि किस प्रकार से, चाहे वो लता मंगेशकर जी हो, चाहे वो सचिन जी हो, चाहे वो कंगना रनावत हो, कोई भी हो, अगर हिंदुत्व की मानसिकता के साथ, हिंदुत्व में एक यहाँ जीवन शैली का यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, उसके साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति है मैं उसका जिक्र कर रही हूँ, उसके साथ कोई जुड़ना चाहता है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास में साथ होकर चलना चाहता है, तो लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। विवेक जी को परेशानी नहीं होगी? विवेक जी, बंगाल की सियासत में अब डिस्को डांसर भी कूद रहे हैं, बंगाल की सियासत में डिस्को डांसर आएंगे, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? देखिए, अब शायद बुरा लगे बीजेपी की प्रवक्ता को, ये दूसरे अभिनेता हैं जो कूद रहे हैं, पहले अभिनेता जो कूद चुके हैं वो तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी है, दीनदयाल उपाध्याय जो इनकी पार्टी के थे वो दो धोती और दो कुर्ता में जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो महंगे महंगे सूट भी पहनते हैं और रैंप वॉक भी करते हैं, तो पहले अभिनेता तो प्रधानमंत्री होगा, ये होगा दूसरे अभिनेता। अब दूसरे अभिनेता को क्यों लाए हैं उसका कारण सुन लीजिए। अब साहब, इनके भारतीय जनता पार्टी में जो कि तृणमूल कांग्रेस की भी टीम है, उसमें इनका ओरिजिनल तो है नहीं, मुकुल रॉय को भर लिया, दिलीप घोष है, अर्जुन सिंह है, शुभेंदु अधिकारी है, वहां चल रही है मारम पिट्टी कि किसको क्या पद मिलेगा अगर गलती से आने की संभावना हुई। तो अब इसमें जो है ये अंदरूनी जो लड़ाई झगड़ा है इसको शांत करने के लिए आरएसएस प्रमुख को कूदना पड़ा बीच में, और जो हाल मैं सनी देओल का देख चुका हूं कि जिनको चुनाव जीतने के बाद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं पता था, और अपने ही भाई दीप सिद्धू जो थे उनके मित्र, जी विवेक जी, विवेक जी, सुभ्रष्टा जी से ले लेते हैं, सुभ्रष्टा जी, सुभ्रष्टा जी, नंदीग्राम से चुनाव लड़कर ममता बनर्जी ने एक माइंड गेम खेला है, एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम की चुनौती लगातार दी जा रही थी कि नंदीग्राम से लड़ो, आप दो जगह से क्यों लड़ रही हो, क्या जरूरत है, आप डरी हुई हो? तो नंदीग्राम से चुनाव लड़कर ममता बनर्जी ने एक बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेला है, माइंड गेम। सुभ्रष्टा जी, मनीष, यहाँ पर कई बात होगी कि ये पॉलिटिकल पार्टी उसकी ए टीम है और बी टीम है। मैंने पहले भी कहा था टीएमसी और आज की टीएमसी और आज का लेफ्ट, इन दोनों में तात्विक रूप से कोई अंतर नहीं है। नंदीग्राम का जो इतिहास रहा है वो पूरा इतिहास दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। बंगाल की जनता को जिस तरीके का विकास चाहिए, क्या उस तरीके का विकास लेफ्ट या टीएमसी दे सकती है या नहीं दे सकती है, मेन मुद्दा ये है। बात यहाँ पर मिथुन दा की गई, मिथुन दा अपने आप में एक ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन और एक ऐसा बड़ा नाम है, मुझे लगता है जिनके एसोसिएशन को केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित रख के नहीं देखा जाना चाहिए। मनीष जी, ये सवाल लेफ्ट के नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या था कि वो मिथुन चक्रवर्ती, जो कि अपने यौवन काल में पूरी तरह से मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी के हो चुके थे, जिनके नाम का केक आज तक रशिया में काटा जाता है, वो मिथुन चक्रवर्ती आज हिंदुत्व की विचारधारा को ना केवल उन्होंने अपनाया है बल्कि सौभाग्य। सुभ्रष्टा जी, बड़ी माफी के साथ आपसे कहना चाहूंगा, सुभ्रष्टा जी, ये बहस का आखिरी पड़ाव है और समय कम है, मुझे हमारे साथ इस पैनल में माननीय सांसद अपरूपा पोद्दार जी भी हैं, उनको भी शामिल करना है, और सलीम आलम साहब भी हैं। अपरूपा जी, एक छोटा सवाल छोटा जवाब, नंदीग्राम से चुनाव लड़ना ममता बनर्जी का क्या मैसेज देना चाहती है ममता जी? बंगाल में सब सीटों पर ममता बनर्जी ही कैंडिडेट है, ममता बनर्जी के चेहरा देख कर ही पब्लिक वोट देंगे, उनके डेवलपमेंट में देख कर ही वोट देगी, वो हमारी पार्टी के लीडर है, और बंगाल में हर घर में ममता बनर्जी को पूजी जाती है क्योंकि हर घर में हर स्कीम में ममता बनर्जी है, तो इसीलिए जो है बंगाल का जनता 2021 में फिर तीसरी बार के लिए ममता बनर्जी को बनाएगी, ये चीज वो लोग दिमाग में तय कर लिए, चाहे जितने भी बीजेपी लेफ्ट और कांग्रेस वाले और अब्बास सिद्दीकी प्रदर्शन करें, जीत ममता बनर्जी की होगी। जी जी, अपरूपा जी, एक छोटा सवाल मुझे सलीम आलम साहब से लेना है। सलीम साहब, आपके बड़े नेताओं का कोई कार्यक्रम आया है? कोई कार्यक्रम आया है? कब से वो बंगाल के रण में उतरने वाले हैं? हमारे सारे नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में ऑलरेडी हम लोग उतर चुके हैं, उतरने वाले के हम लोग ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं, और मैं टीएमसी से कहना चाहता हूँ कि इनकी जमीन जो है ना वो घिसक चुकी है, ये बताएं कम से कम, माननीय सांसद से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी ये डिसाइड कर ले, बता दे कि और कितने चोर आपके पार्टी में बचे हुए हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने कहा शुभेंदु अधिकारी चोर है, उनका एक लीस्ट उन्होंने जारी किया। सलीम साहब, सलीम साहब, मुझे बहस खत्म करनी है, सलीम साहब मुझे बहस खत्म करनी है। जी हाँ, दो मई को ये तो बता दीजिए, इनसे पूछ तो लीजिए। जी सलीम साहब, मेरे पास वक्त में गले लगा रहे, केरल में सी
सीएम से लड़ाई कर रहे हैं, बंगाल में गले लगा रहे हैं। देखिए आपको जवाब मिल गया, आपको जवाब मिल गया आलम साहब, मुझे बहस खत्म करनी है। देश का सवाल में आज टीएमसी की सांसद अपरूपा पोद्दार, बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सुभ्रष्टा जी, वाम नेता विवेक श्रीवास्तव और सलीम आलम आए। जी हाँ, जाते जाते हम इतना कहना चाहेंगे, 2 मई को सारे देश की नजर नंदीग्राम के संग्राम पर होगी, जी हाँ, जो कि बंगाल का रण है और वही तय करेगा कि आखिर किसका बजेगा डंका। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।